दुनिया फिरता हूँ, 3 महीने टका के काम करता हूँ, फिर टूर पे चला जाता हूँ, दुनिया फिरता हूँ। दुनिया फिरने के बाद मैंने एक दुनिया की ऐसी कौम है जिसका बेकार ही नहीं देखा, भीख नहीं मांगती। एक दुनिया की एक कौम ऐसी, मिनोरिटी ऐसी, भीख नहीं मांगती। मैंने उस कौम पे रिसर्च करनी शुरू की, तारीख निकाली, पंजाब की तारीख निकाली, कौम है सिख कौम। और खास बात क्या है, रंजीत सिंह ने पूछा, बंचूरा से, बंचूरा एडवाइजर था, मैं अपनी कौम पे एहसान करना चाहता हूं, अपनी कौम पे एहसान करना चाहता हूं। उसने कहा अगर एहसान करना है तो अपनी कौम की बच्चियों के लिए तालीम लाजम कर दो। उसने कहा मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं एहसान करना चाहता हूं। कहता है अपनी कौम की माओं के लिए तालीम आम कर दो। उसने कहा मैं एहसान करना चाहता हूं। कहता है नानियों और दादियों के लिए तालीम आम कर दो। ये बंचूरा का 300 साल पहले का दिन था, 200 साल पहले का दिन था। आज हजूरे वाला याद रखिएगा, इल्म वाला, शऊर वाला कभी बेकारी नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। वो हुनर वाला होगा, अपने हुनर को कन्वर्ट करेगा, वो नीचे वाले हाथ को छोड़ेगा, हाथ ऊपर वाला कर देगा। आज पूरी दुनिया में एक सिख बेकारी नहीं है। सिर्फ वजह क्या है, जिसकी कौम के बड़े में 200 साल पहले ये विजन हो कि अगर बेटियों की तालीम होगी तो हमारी नस्लें बेकारी होने से बच जाएगी। ये विजन अगर 200 साल पहले था तो क्यों ना आज हम इतने बड़े इवेंट में इकट्ठे हैं। वालदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, हम सब क्यों ना इरादा और नीयत कर लें। मेरे एक बेटी है, दो बेटे, तो पढ़ावा, तीनों बोता पढ़ावा, बेटी को ज्यादा पढ़ावा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा नवासा कभी खड़े होकर कहे कि मुझे बेकारी बनाने वाला मेरा नाना है। मैं कभी नहीं चाहूंगा। जब तक आप ये बराबरी नहीं करेंगे तालीम में, तकसीम में, विरासत में, शऊर देने में, अपॉर्चुनिटी देने में, यकीन कीजिएगा नस्लें नहीं संभरेंगी, उम्मत मुस्लिमा इन्हीं मसाइल का शिकार रहेगी। कौम को बनाने वाली शख्सियत का नाम माँ है। आप नेपोलियन का ही जुमला, अच्छी माँ दे दीजिए, आपकी कौम जो उनसी है वो शाद आबाद हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।